भिंड के सदर बाजार और कुमुम बाई कॉलेज गली में रविवार शाम हुई दो अलग अलग घटनाओं में दो महिलाओं के पर्स से कुल 10,400 रुपए चोरी की घटना हुई। इसी दौरान कुछ लोगों ने एक संदिग्ध महिला को पकड़ लिया और उसकी चप्पल से पिटाई कर दी। पकड़ी गई महिला को कोतवाली थाना पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। नीम गांव निवासी सपना कुशवा अपनी बुआ रेखा और बहन किरण के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई थी। शाम 5:30 बजे सपना कंगन खरीद रही थी, तभी रेखा ने उनके पर्स की चेन खोली दिखी। पर्स चेक करने पर पता चला कि उसमें रखे 9,000 रुपए गायब थे। घटना के बाद सपना ने अपने पति को फोन कर बुलाया। पीड़िता ने व्यापारियों की मदद से एक संदिग्ध महिला को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 9,000 रुपए मिले। गुस्साई भीड़ ने महिला की चप्पल से पिटाई कर दी। बाद में पीड़ित परिवार ने संदिग्ध महिला को सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया।